अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है आप जब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली आज हम दरगाह शरीफ से कुछ दूरी पे है नया बाज़ार। तो नया बाज़ार में हूँ फिलहाल, देख सकते हो मैं नया बाज़ार की माहौल इस तरह है। माशाल्लाह अच्छा माहौल है। और अभी राजस्थान में बहुत गर्मी है, देख सकते हो मेरी हालत कैसे है, पसीना पसीना हो रहा है। और यहाँ पे बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। और अभी अभी जून की महीना है और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम गिरती है, बारिश भी बहुत कम होती है। बहुत गर्मी है यहाँ पे, गर्मी बहुत तेज़ है। तो मेरी हालत देख के आप समझ सकते हो यहाँ पे कितना गर्मी चल ही रहा है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो आप। और यह बिल्कुल नया बाज़ार की माहौल देख सकते हो आप। लॉकडाउन में भी मैंने आपको नया बाज़ार की नज़ारा कराया था, पूरा बंद था। लेकिन अभी जैसे बाज़ार खुल गया, देख सकते हो मेरा पीछे सारे बाज़ार वगैरह खुला है। तो देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, माशाल्लाह बेहतरीन नज़ारा है। और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांटी हो जाएंगे, नहीं तो चलन कट जाएगी, इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। और मास्क लगाने के बाद अगर बोलूँ तो वॉइस तेज़ भी नहीं होती, क्लियर भी नहीं आती, इसलिए थोड़ा मास्क लगा रखा हूँ मैंने। और कोई पुलिस वाला अगर देखे तो मास्क पे तुरंत उठा लूँगा ऐसे। चलिए मैं अभी नया बाज़ार में आया कुछ फ्रूट ख़रीदने के लिए। फ्रूट वाला से पता करता हूँ इसका क्या भाव है, उसके बाद फ्रूट खरीदता हूँ। जी भाई, सेब का क्या भाव है? सेब 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो? अरे और आम 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 कितना? 70। अच्छा दशहरी है ना, कहाँ की है? यूपी की है। तो दशहरी आम यहाँ का मशहूर है, दशहरी आम बहुत मीठा होती है। अजमेर शहर में दशहरी बिकता है, अभी 70 रुपये किलो दशहरी है। और सेब कहाँ? कश्मीर का है, शिमला। सही लगा रेट यार, सेब लेनी है। तरबूज भी लेनी है, तरबूज के भी रेट बताओ। तरबूज 20 रुपये किलो। तरबूज 20 रुपये किलो। चलिए आप देख सकते हो मेरा पीछे इस तरह, मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ नया बाज़ार की माहौल है। ये नया बाज़ार है ना? नया बाज़ार कुछ इस तरह का माहौल है। मैंने लॉकडाउन में भी आपको नज़ारा कराया था और अभी लॉकडाउन खुल चुका है। और देखिए माशाल्लाह इतना अच्छे बेहतरीन माहौल बन चुका है, देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। तो अभी मैंने फ्रूट लेने आया हूँ, तो सोच रहा हूँ आपके साथ मैं शेयर भी करूँ इस वीडियो को, नया बाज़ार की माहौल भी आपको बता दूँ, देख सकते हो किस तरह का माहौल है जी। देखिए भाई, सेब तो लेनी है यार, कुछ रेट कम करो यार भाई, 300 रुपये तो महंगा बता रहे हो आप। सही बोले आप भाई जान, नहीं और खाने में स्वाद पंचे अच्छे रहेंगे वाले ना। फिर दिखा दूँ, ये कहाँ की बताया आपने ये सेब? न्यूजीलैंड। अच्छा देखिए, हाँ न्यूजीलैंड तो लिखा हुआ स्टिकर पर, देखिए न्यूजीलैंड लिखा हुआ। न्यूजीलैंड के सेब 300 रुपये किलो। चलो इसको आधा किलो करो, न्यूजीलैंड का सेब ले रहा हूँ। और आम दशहरी आम सही रेट बताओ, बताइए। 50 रुपये दूंगा, 50 रुपये। कितने रुपये लगाओ? अरे आपसे बराबर लेके जाता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो, मैं बाइक वाले के साथ आता हूँ। लेकिन आप 170 रुपये का है, कम बढ़ाओ। 70 रुपये का और कम करता हूँ तो आपको पड़ेगा। कितना ग्राम हो रहा है? तो ये 130 रुपये का। कितना ग्राम हो रहा है? 440 ग्राम है। 130 रुपये की, ठीक है लगाओ। और आम भी सही करो, आम लेंगे 1 किलो आम लगाओ। फिर तो आम ले ही नहीं पाऊँगा यार, ऐसे मत करो फिर यार। आम के रेट तो अभी कम होना चाहिए ना। चलिए गाइस, पहले मैं सौदा ले लेता हूँ, फिर आपको नज़ारा कराता हूँ जी। बना रही है अब। तो गाइस फाइनली मैंने सौदा ले लिया, फ्रूट की आम ले लिया और सेब और तरबूज, तीनों आइटम मैंने ले ली। और इसमें कुछ डिस्काउंटेड नहीं किया, कह रहा भाई अभी मार्केट चढ़ाई है, मार्केट महंगाई है, तो कुछ डिस्काउंटेड मिला नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया डिस्काउंट लेने का, डिस्काउंट मिला नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने 3 आइटम ले लिया। और अभी फिलहाल गर्मी है तो तरबूज बहुत ज़रूरी है, और आम की मौसम चल रहा है तो आम तो लेनी है। आम भी ले ली और सेब भी ले ली। तो सेब तो हमें इंडियन वाला मिली नहीं अच्छी, तो न्यूजीलैंड वाला सेब ले लिया मैंने। और लेके मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया, जा रहा हूँ। और ये देख सकते हो अब नया बाज़ार कुछ इस तरह का माहौल है, माशाल्लाह देखा चारों तरफ का दुकान बाज़ार खुल गया, देख सकते हो। मैं आप दिखा रहा हूँ आपको जी।
माशाल्लाह अभी फ़िलहाल अच्छी माहौल है और बहुत जल्द से जल्द दरबार शरीफ खुल जाएंगे। 30 तारीख के बाद दरबार शरीफ खुल जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी कुछ नया बाजार के माहौल इस तरह का मैं घुमा के देख रहा हूँ, मेरा पीछे देख सकते हो आप जी। ये ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, आना जाना आप कहीं भी आ जा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है गाइस, तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त और आप अपना सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।